गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं उषा धुर्वे अमरावती से वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे तो देखिए पिटू या धीरे धीरे बहुत ही अच्छा देखिए फ्लावरिंग कर रहा है ये मैं नर्सरी ही हिलाई थी कुछ आ, ट्वेंटी आ, आ, कुछ बारह बारह रुपीज़ में और ये मेरे सारे अलाय सम ये मुझे टेन रुपीज़ में मिले हैं सिडलिंग थी ये सारी और देखिए हर एक कलर बहुत ही प्यारे हैं और अलायसम के मेरे पास ये चार कलर है एक डार्क पर्पल एक वाइट और एक वाइट में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पिंक वाला और एक पर्पल में थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से ये भी बहुत ही प्यारे देखिए फ्लॉरिंग कर रहे हैं और ये जो है ये पूरा गमला फूलों से भर जाता है और इस तरह से ये बहुत ही प्यारे लगते हैं तो अभी तो मैंने इन गमलों को कलरिंग नहीं किया है लेकिन Uh, कुछ ही दिनों बाद ये पूरा गमला ढक जाएगा फुलों से और ये जो मैंने एक रखा है ये बिल्कुल uh, फोर इंची पॉट में ही लगा हुआ है तो इसे मुझे हैंगिंग में लगाना है तो इसलिए मैंने एक uh, वाइट और एक पर्पल ऐसे दो प्लांट रखे हुए हैं तो इनको भी मुझे लगाना पड़ेगा हैंगिंग में मेरे पास हैंगिंग ज़्यादा नहीं है और ये सारे इम्पेशनस के फ्ला, फ्लावर ये भी मैंने सीडलिंग हिलाई थी तो जिन पर फ्लावर नहीं होते बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं तो वो अच्छी तरह से आपके यहाँ लग जाते हैं और ये देखिए ये पिंक कलर और ये ऑरेंज और ये थोड़ा सा भड़केला ऑरेंज है यहाँ पे दो ऑरेंज है कैमरे में शायद आपको ये फर्क नहीं दिखाई देगा लेकिन इसमें से थोड़ा सा वेरिएशन है और ये देखिए ये शेडिंग में है और यहाँ पे सारे इम्पेशंस रखे हुए हैं यहां से यहां तक तो यहाँ पे भी है तो आज संडे का जो दिन होता है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं गार्डन के मेरे और ये सारे जेरेनियम जो मैंने गोविंद भाई से सीड्स इसके परचेस किए थे और ये अच्छी तरह से डेवलप हो आ, हो रहे हैं तो आ, दस में से कुछ आठ प्लांट के सीड्स जर्मेंट हुए थे और ये फिर से मैंने एक बड़ा सा पैकेट आ, मंगवाया था और ये भी देखिए ये पूरे सीड्स लग चुके हैं और ये डी तो यहाँ से देखिए इसकी मैंने इसको मैंने पिंच कर दिया था और यहाँ पे ये ब्रांच लगा दी थी तो ये भी लग जाएगी और ये है कार्नेशन जो डबल पेटल में होते हैं और ये भी मैंने गोविंद भाई से सीडलिंग सीड से मंगवाए थे और ये सारे बिगोनिया जो मैंने सेपलिंग लाई थी तो वहाँ पर रखे हैं कुछ इनकी रिपोर्टिंग बाकी है और ये सारे देखिए सेलोशिया तो ये छोटा सा जो पॉट था उसमें ये अच्छे से बढ़ नहीं रहे थे तो ये मैंने देखिए ये टेन टेन रुपीज़ वाले स्क्वेयर स्क्वेयर वाले ये गमले हैं तो इसमें मैंने इन्हें लगाया है ये कुछ चार इंच ही गमले हैं छोटे बिल्कुल तो इसमें ये प्लांट ज़्यादा नहीं बढ़ता और इसकी ज़्यादा रूट भी नहीं बढ़ती इसलिए इसको मैंने इस छोटे से इसमें लगाया है और ये देखिए पैनजी तो पैनजी की मैं पाँच ही सेप्लिंग लाई थी और इसमें से देखिए कलर ये सिर्फ दो पर्पल निकले हैं बाकी तीन जो है वो सभी अलग अलग कलर के हैं ये येल्लो और ये पर्पल में कुछ क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन आएगा इसमें और ये देखिए यहाँ से दिख रहा है और ये देखिए येल्लो और दो तीन कलर इसमें मिक्स हैं तो इस तरह के ये पैंसी के पांच प्लांट में से सिर्फ दो एक ही कलर के निकले हैं और ये सारे मेरे देखिए जाफरी गेंदा जिसे कहते हैं तो ये भी मैंने देखिए इतने मेरे हाथ से यानी पूरा हाथ भी नहीं आ रहा इतना छोटा सा ये पॉट है इसक वेयर वाला तो हमारे यहाँ जो अंकल आते हैं तो ये मैंने उन्हीं से लिए हैं कुछ दस दस रुपीज़ में तो यहाँ पे ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और छोटा सा पौधा है लेकिन फूल देखिए इसका कितना बड़ा है तो इसके जो भी सीड्स थे वो मैंने यहाँ वहाँ डाल दिए हैं जैसे जैसे इसके पौधे बनते जाएंगे तो एक ही पॉट में बहुत सारे लगाऊंगी मैं और ये है टोरेनिया पर्पल कलर और ये पिछले साल का और ये देखिए वाइट और इसमें कुछ येलोइश है इस पर डॉट डॉट आ रहे हैं और ये फिर से पर्पल और ये मेरा देखिए पेंटाज़ तो इसके मेरे पास अभी चार कलर है ये मैंने इस साल ख़रीदे हैं कुछ तीस रुपीज़ के एक में सैपलिंग लाई थी इसकी और ये अलग अलग कलर और ये मेरे पिछले साल का जो मैं हमेशा आपको दिखाती हूँ और पूरा फ्लावर से ये भरा हुआ रहता है और यहाँ पे गुलदाउदी इस साल पता नहीं कितने फ्लावर आएंगे लेकिन पिछले साल की तरह नहीं क्योंकि लगाने में मुझे देरी हो गई थी मेरे यहाँ काम शुरू था और इस वजह से मुझे पिंचिंग के लिए टाइम बहुत ही कम मिला और ये सारे बरबिना देखिए जो छोटे से पॉली बैग में है अभी वो छोटे ही है और जिनको मैंने बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया था तो उन पे देखिए कलियाँ भी आई हुई हैं तो इन पे स्प्रे करते रहना चाहिए क्योंकि इन पे जो आपको एक वाइट लाइन दिखती है उस वजह से सारा प्लांट खराब हो जाता है और ये सीड्स जर्मिनेट हुआ पिटूनिया तो देखते हैं ये डबल है या सिंगल और ये कुछ हैंगिंग मैंने ऐसे बनाए हैं तो हैंगिंग में ज़्यादा नहीं बनाती क्योंकि हैंगिंग में पानी डालने का मेरा ध्यान ही नहीं रहता और इस वजह से वो पौधा मर जाता है तो इस वजह से मैं हैंगिंग में, में थोड़े कम प्लांट लगाती हूँ ये लेकिन कंपटीशन वगैरह होता है तो उसमें हैंगिंग सबसे ज़्यादा डिमांड पे रहता है और बहुत कम लोग होते हैं जो हैंगिंग में प्लांट लगाते हैं और ये मेरा कैमरे का इस पर बर्ड्स आई हुई हैं और इसके बर्ड्स को खेलने के लिए छः सात महीने या उससे भी ज़्यादा लग जाते हैं और मेरा ये लैंटर्न ही बसकस तो इसके बहुत सारे कलर मैंने उषा ऊषा जी से मंगवाए हैं और इसकी कटिंग भी मैंने लगाई है और ये देखिए यह विंका टैटू विंका कहते हैं और ये पूरा फ्लावर से भरा हुआ है और ये टैंग्रीन जो इस पौधे को मैंने बचाने की बहुत कोशिश की और यहाँ देखिए इसको मैंने पूरा प्रून कर दिया था बारिश में और इसकी कटिंग भी छोटी सी यहाँ पे लगा दी थी वो भी लग गई है तो और ये इसकी तीन चार कटिंग निकलेगी तो वो मैं बना लूँगी और ये देखिए इस तरह से ये बूशी प्लांट होता जाता है क्योंकि इसके अगर आप पिंचिंग करते हो तो इस वजह से अभी आपको इस पर फ्लावर्स नहीं लेने हैं और पिंचिंग करते रहिए जितना आपको चाहिए उतना पिंचिंग करते रहिए और इतनी सारी क्वांटिटी में फ्लावर होते हैं तो बस यही इसका राज है और मंथली जो आप ड्राई फर्टिलाइज़र डालते हो और उसके बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हो तो इस वजह से इन पर फ्लावरिंग आती है तो अब तक आ, जितने भी मैंने इनको फर्टिलाइज जितना भी मैंने फर्टिलाइज़ किया है तो सिर्फ मैं ऑर्गेनिक का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि केमिकल सिर्फ उस साल के रिज़ल्ट देता है बाकी फिर सॉइल जो होती है वो पूरी ख़राब हो जाती है और वो अच्छे से प्लांट फिर हमारा नहीं आ, रहता और कुछ दिनों बाद के बाद मैंने ऐसा रिज़ल्ट देखा है कि प्लांट की ग्रोथ ही रुक जाती है तो अभी मेरी किसी भी मिट्टी में कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र नहीं है और ये देखिए विंका के मैंने इसी से जो सीड्स निकले थे वो डाल दिए थे टैटू विंका के तो वो भी जर्मिनेट हो गए हैं तो ऐसे जैसे सीड्स निकलते हैं तो कुछ सीजन नहीं देखती मैं बस डाल देती हूँ सीड्स और ये देखिए पॉन्सिटिया की मैंने कटिंग लगाई थी तो उस पर भी देखिए बहुत ही अच्छा रंग आ रहा है पत्तों पर तो बहुत सारी ऐसी और भी कटिंग है क्योंकि कोई भी नया पौधा आने पर मैं उसकी कटिंग ज़रूर लगाती हूँ और ये सारे कुछ एसिटिक लीले के जो हैं तो यहाँ पे देखिए एक छोटे छोटे बल्ब यहाँ पर अलग तैयार हो रहे हैं तो इस तरह से इसके बल्ब और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ते हैं और जब ये पूरा प्लांट सूख जाएगा तो इसके जो बल्ब है वो मैं आ, सेव करके रखूँगी तो बल्ब को सेव कैसे कर किया जाता है तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है आ, कैना लिली के आ, कैना लिली का वीडियो है तो उसी की तरह मैं सारे बल्ब को सेव करती हूँ और यह है मेरे कैक्टस फ्लावर तो इस पे देखिए ये छोटा सा प्लांट है उसकी कटिंग मैंने लगा दी थी और इस पे ही पहले पहले बर्ड्स आए हुए हैं और इसका फ्लावर जो है वो बिल्कुल जो ब्रह्म कमल होता है उसके फ्लावर जैसा ही दिखता है तो देखिए कड़ी कली जो इसकी है वो कितनी बड़ी है बिल्कुल छोटी सी ब्रांच है और उस पर कलिया देखिए दो इस पर दो है और यहाँ पे भी कलिया कुछ आपको दिखाई देगी और ये छोटा सा देखिए यहाँ पे तो यहाँ वहाँ जैसी कटिंग लगाई तो उन पर फ्लावरिंग है और ये बड़ा सा प्लांट है तो इन पर अभी भी कलिया नहीं है ये देखिए और इसी में कुछ देखिए पिटूनिया की सीड्स अपने आप जर्मिनेट हुए हैं ये वाला और ये बड़ा सा प्लांट अब मुझे निकालना होगा ये भी पिटूनिया का है कौन सा कलर है ये पता नहीं तो इसे मैं अलग पॉट में शिफ्ट कर दूंगी और ये मेरे देखिए कलांचो जो अभी फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी इनको लेट फ्लावरिंग करना था लेकिन इस साल बहुत जल्दी फ्लावरिंग कर रहे हैं और ये सारे डेहलिया की कटिंग इसका वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था तो इसे मैंने देखिए पॉली बैग में ही लगाया हुआ है क्योंकि विंटर सीजन में मेरे यहाँ जितने भी गमले होते हैं वो सारे कम पड़ जाते हैं तो इसके ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और ये ज़्यादा फीडर वाला प्लांट है इसको ज़्यादा फीड आपको करना पड़ेगा और ये कुछ कटिंग अभी भी वैसे ही बची हुई है तो इनको भी एक बड़ा सा पॉली बैग में इन्हें मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा तो इनकी ग्रोथ तो बहुत ही अच्छी चल रही है लेकिन इस पर स्पाइडर माइट का अटैक ज़्यादा होता है तो आपको हमेशा यानी हफ्ते में एक बार आपको स्प्रे करना पड़ेगा इन पत्तों पर और ये देखिए कोलियस तो सबसे पहले अगर पुराने आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें कोलियस का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन था लेकिन जब समर आता था तो इनकी रखने के लिए जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने वो जो प्लांट थे अब मेरे पास नहीं है कुछ चार पांच कलर है उसमें से ये एक मेरा इस पे ध्यान गया तो ये बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है क्योंकि इसकी मैंने पिंचिंग करी थी और ये देखिए इसे क्या कहते हैं टिकोमा भी आ, में भी फ्लावरिंग शुरू हुए हो, हो रही है और ये देखिए ये मैंने कटिंग से लगाया था रास्ते से चलते हुए एक बड़ा बड़ी सी वाइन थी तो वो बाहर आ गई थी तो सिर्फ ऊपर वाला सिरा मैं छोटा सा लेके आई थी और इसकी पिंचिंग करी थी और अभी भी ये पॉली बैग में ही है और ये सारे आप पीछे जो देख रहे हैं वो सारे हिबिस्कस हमेशा की हमेशा की तरह पूरी ब्लूमिंग पर तो इसे खाद क्या डालते हैं तो इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था तो प्लीज़ आप मेरे पुरानी वीडियोज़ भी देखिए और बेल आइकॉन और नोटिफिकेशन को प्लीज़ आप प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की इन नोटिफिकेशन मिलती जाए तो इस तरह से देखिए ये सारे हिबिस्कस है अभी ये बहुत ही अच्छी फ्लॉरिंग पे हैं यहाँ पर ये भी देखिए इस पर बहुत सारी कलिया भी, भी बनी हुई हैं कोई कहते हैं इनका डॉर्मेंसी पीरियड है होता है लेकिन कुछ के पत्ते तो गिर रहे हैं येल्लो होकर लेकिन इस पर तो अभी भी कलिया बन रही हैं और बहुत सारे फ्लावर्स अभी आगे भी खिलेंगे तो ये भी देखिए एक बहुत ही प्यारा कलर और ये कृष्ण कमल ये छोटी सी बेल है लेकिन इस पर हमेशा देखिए फ्लावर आपको यहाँ से देखिए कलिया भी दिखाई देंगी तो ये सारी कलियाँ और भी खिलेगी और ये कुछ फ्लावर्स एक दो दिन पहले खिले थे बिल्कुल छोटी सी ये वाइन है तो एक छोटी सी कटिंग से मैंने लगाई थी तो अब आगे चलते हैं और ये मेरा देखिए इस पर बहुत ही देखिए इंसेक्ट हो गए हैं तो इन पर मुझे एक स्प्रे करना पड़ेगा और ये ऑरेंज वाला मैं ये अभी आ, अपने गार्डन में मैंने ऐड किया है मुझे लग रहा था कि मेरे पास ऑरेंज है लेकिन मेरे पास ये वाला है येलोइश कुछ तो अभी ये भी कलर बहुत ही अलग हो गया है और ये देखिए इस पर भी फ्लावरिंग ये बहुत ही प्यारा लगता है ये कलर मुझे और सारे बिस्कस देखिए कितने प्यारे और बहुत ही बढ़िया कलर ये लगते हैं तो बस हमेशा इन जब भी कोई आता है तो इतने बड़े बड़े फ्लावर को देख एकदम हैरान रह जाता है कि हिबिस उसके इतने सारे कलर जैसे आपके भी कमेंट्स होते हैं कि आपके पास बहुत सारा कलेक्शन है और ये मैंने स्वाति जी से परचेज किए थे कलांचू कुछ तीन सौ का सेट था ये छः प्लांट का और ये देखिए ये गुलाब ये देसी गुलाब है शायद इस पर बहुत ही फ्लावर आते हैं तो यहाँ पे देखिए तो ये अच्छे चल रहे हैं लेकिन इसके पत्ते क्यों नहीं मुड़ जाते हैं तो अभी मैंने इन पर स्प्रे करना शुरू कर दिया है तो कुछ मुझे रिजल्ट अच्छा लग रहा है और ये भी देखिए बड़ा सा फ्लावर खिला है और ये देसी वाला पिंक और ये स्थलपदा है तो इसकी मैंने आ, कटिंग कर दी है क्योंकि इतने लंबी लंबी ब्रांचेस होती है वो अच्छी नहीं दिखती और घना जो होता है पौधा वो बहुत प्यारा लगता है तो इस वजह से यहाँ से मैंने कट कर दिया इसे भी यहाँ से कट कर दिया है और इसकी देखिए मैंने तीन चार कटिंग बनाए हैं और वो ये वाली पहले के जो एक प्लांट था उसके कटिंग है और इस पर भी कलिए आई हुई है और देखिए एक ही प्लांट की मैंने ये चार कटिंग बनाई है तो इस तरह से देखिए ये सारी कटिंग मैं लगाती जाती हूँ यानी आपका प्लांट हमेशा आपके साथ रहता है अगर किसी प्लांट को कुछ हो जाए तो और और चलते हैं अब जरबेरा की तरफ ये जरबेरा जाने कितने दिन हो गए ये तो अब मुझे याद भी नहीं है शायद दो तीन महीने हो गए हैं आपको हमेशा मैं दिखाती हूँ दिखा और एक फ्लावर खिलता है वो एक एक महीना रह जाता है उसमें ये रेड कलर ये भी मेरे पिछले साल का है तो इसकी बास्केट जो थी मैंने वो निकाली नहीं पता नहीं मुझे दिखी नहीं या प्लांट मर जाता है इस वजह से मैंने निकाली नहीं यह या मुझे याद भी नहीं आ रहा है लेकिन इस पर बर्ड्स है लेकिन इसका फ्लावर ही बहुत बड़ा होता है लेकिन बास्केट की वजह से इन पर छोटे छोटे फ्लावर आ रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक है लेकिन इतना जो बड़ा है क्रीम वाला उतना बड़ा वो फ्लावर नहीं है तो जैसे मुझे वक्त मिलेगा ही निकालूंगी और ये सारे देसी वाले जरबेरा जो हमेशा यानी बारह महीने ये फ्लावरिंग करते हैं तो इस वजह से मैं तो कहती हूँ कि जरबेरा की जिनको केयर करनी नहीं आती तो ये वाले लीजिए इस पर हमेशा फ्लावरिंग रहती है और ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती तो ये कुछ मैंने सिक्सटी सिक्सटी रुपीज़ में हमारे यहाँ जो अंकल रहते हैं उनके यहाँ से मैं लाई थी कुछ आठ या दस प्लांट थे तो दो मैंने पिताजी तीन या चार मैंने पिताजी को दे दिए हैं मेरे और ये सारे देखिए अलग अलग कलर और इन पर हमेशा फ्लावरिंग रहती है इन पे भी बर्ड्स है इन पे भी बर्ड्स है और ये देखिए तो ये फ्लावर अगर आप यहीं पे सूखने देते हो तो इससे ये सीड्स तैयार होते जाते हैं तो आपको दिखाती हूँ देखिए इसके बहुत सारे सीड्स तैयार होते हैं तो इसकी ये खासियत होती है देसी वाले की इनके जो प्लांट है वो जल्दी से ग्रो होते हैं और सीड्स से भी बहुत ही ईजीली लग जाते हैं तो देखिए इन्हीं ग्लास में मैंने जितने भी निकाले थे तो वो इसमें लगा दिए हैं और देखिए इसमें बहुत जल्दी इसके सीड जर्मिनेट हो गए हैं तो एक ही कलर के देखिए कितने सारे प्लांट्स तैयार होंगे ये देखिए और इसकी मैंने देखिए छोटी से एक डिवाइड किया था ये प्लांट इसमें भी बर्ड्स आए हुए हैं तो इसे भी मुझे गमला देना पड़ेगा तो मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ कि कौन से सीड्स आपको लेने हैं तो इसे आपको चुनना होगा क्योंकि इसमें से जो कुछ सीड्स होते हैं वो जर्मिनेट नहीं होते हैं ये वाले सीड्स लग जाते हैं और ये देखिए स्थलपदा इस पर भी ये वाइट वाला स्थलपदा है सिंगल पेटल वाला तो इसके बहुत सारे सीड्स पॉट तैयार हो चुके हैं तो इन्हें भी मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा इसके पहले भी बन चुके थे वो मैंने संभाल के रखे हैं लेकिन मैंने अभी उन्हें लगाया नहीं है सीड्स को अभी लगा लूँगी मैं あっ <music> इतने सारे सीट्स हो गए हैं और यह है यूफुरबिया का प्लांट ये सिर्फ एक कटिंग में लाई थी येलो कलर की कुछ मुझे यूनिक लगी थी और एक कटिंग करते एक कलर जब मेरे गार्डन में ऐड हो जाता है तो बस बाकी कलर तो अपने आप आ जाते हैं तो ये मैंने कुछ मेरी सहेलिया के यहाँ था तो वे वहाँ से मैंने कटिंग लाई हूँ और ये दिखिए फिर से मुझे कुछ कलर मिल गए हैं ये दिखिए ये भी बहुत ही प्यारा है और बड़े बड़े फ्लावर हैं तो ये वाला एक इसकी कटिंग लगाई है और ये बहुत ही ईजिली लग जाती है इसकी कटिंग और यहाँ पे मैं इस शेड में स्टेयर के नीचे इसे रख देती हूँ और ये छोटा वाला इस पर बहुत ही बढ़िया और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्लॉरिंग होती है तो ये ऐसी ये दो मैंने कटिंग अभी अपने गार्डन में ऐड की है और यहाँ पे देखिए सारे मैंने यहाँ पे इसे रख दूँगी और जो भी कटिंग लगाती हूँ यहाँ पर रख दूँगी और ये है मेरा बर्लेरिया बर्लेरिया का प्लांट पिंक वाला इसमें मेरे पास पर्पल कलर है रेड कलर है और वाइट ऐसे चार कलर मेरे पास है और इसकी कटिंग भी देखिए तो सबसे ज़्यादा फ्लावर तो इस कटिंग पे ही आ रहे हैं जो बड़ा सा पौधा है उस पर उस पर कम आ रहे हैं लेकिन इस कटिंग पे तो बहुत सारे फूल खिल चुके हैं तो इस पर भी सीड्स तैयार होते हैं और ये पिंक है या वाइट है ये समझ में नहीं आ रहा है ये निशिगंधा और ये रेन लिलीज की देखिए इस पर भी अभी बर्ड्स बन ही रहे हैं ये सारे रेन लिलीज इनको मैंने कट कर दिया है इनके पत्ते और ये सारे मेरे अडेनियम तो फ्रेंड्स आज का ये संडे गार्डन अपडेट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय